चार बजे के बाद मैं आपको किचन में पाई जाऊंगी। अच्छा। मुझे बड़ा शौक है कि शाम में खाऊंगी मैं एक ही चीज़, लेकिन मेरे घर में भाई मेरा है, भाभी हैं, तो मुझे होता है कि डाइनिंग टेबल जो है ना वो सजी हुई, उसमें वैरायटी हो। तो फिर मैं चार बजे के बाद, आजकल टाइम है, जैसे आज आपने बुला लिया है तो आज आपकी डाइनिंग टेबल सजी नहीं, नहीं है। वो सजी जरूर होगी, लेकिन मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा, अच्छा तो क्या क्या बना लेती हैं, क्या शौक है बनाने का, कोई स्पेसिफिक कुजीन है जो आप अच्छा बनाती हैं? अच्छा एक्चुअली मैं, क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत शौक है कि वो, मेरी अम्मी जो खाना बनाती है मेरे खानदान में, मतलब वो मशहूर है खानदान में, मेरे फ्रेंड्स में, हमारे सोशल सर्कल में, कि वो फलां चीज़ खानी है, मेरी दोस्त आंटी को बोल दो फलां चीज़ खानी है, यहाँ सादिया की अम्मी को फ़ोन कर लो। तो इस तरह मेरी अम्मी जी, तो उनको बहुत शौक़ था कि मैं खाना पकाना सीखूँ, वो चाहती थी कि मैं सीखूँ, तो मैंने उनकी वजह से, नहीं तो मैं हमेशा कहती थी मुझसे मैनेजमेंट करा लो, सारे काम करा लो, सफाइयाँ करा लो, मुझे किचन में नहीं जाना, किचन में नहीं नहीं जाना। लेकिन उनकी वजह से मैंने हर चीज़ बनानी सीखी। मुझे अम्मी के हाथ का जायका भी आया, अब ये तो पता नहीं, आप खाएंगे तो पता चल सकता है, मेरी अम्मी के हाथ में बहुत जायका है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे पाकिस्तानी, चाइनीज़ जो हम जनरली खाते हैं, और थोड़ा बहुत इटालियन फूड जो हम खाते हैं, वो मुझे बनाना आता है। तो इट्स नॉट, तो आप हमें दावत पे कब बुला रही हैं फिर तो यही सवाल होना चाहिए। दावत का इत्मीनान यही हो सकता है, किचन भी यहाँ मौजूद है। बिल्कुल एनी टाइम, बिल्कुल। तो मुझे खाना पकाने में कोई वो नहीं है, बस एक चीज़ जो मुझे नहीं बनानी आती जी, और वो है रोटी। रोटी बनानी नहीं आती? नहीं। और आपका तो दावा है रोटी कपड़ा मकान।